क्या आप भी कॉल फॉरवर्डिंग करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल नंबर की कॉल किसी दूसरे मोबाइल नंबर पर, या फिर आप अपने मोबाइल की कॉल किसी दूसरे सिम नंबर पर भेज सकते हैं, या फिर दूसरे किसी की कॉल आप अपने मोबाइल नंबर पर कैसे कॉल फॉरवर्डिंग कर सकते हैं? वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। सो वीडियो को यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए। सो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे डिजिटल प्रभाव यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो इस वीडियो में हम देखिए आपको कॉल फॉरवर्डिंग सिखाने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीका है और कॉल फॉरवर्डिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि हमारा ये मोबाइल है और इसमें बैटरी नहीं है, तो हम इसमें अपने किसी घर के या किसी भी पर्सनल दूसरे नंबर को यहाँ पर कॉल फॉरवर्डिंग में लगा देंगे, जिससे कि हमारा मोबाइल अगर उसमें नेटवर्क नहीं रहते हैं या फिर मोबाइल हमारा स्विच ऑफ रहता है तो वो दूसरे नंबर पर कॉल फॉरवर्ड हो जाएगी, वो कॉल मिस नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कॉल फॉरवर्डिंग लगाना तो यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे लगा सकते हैं। सो इसके लिए देखिए कॉल फॉरवर्डिंग कभी कभी बहुत ही काम आती है। तो यहाँ पर देखिए आपको डायलर पर जाना है और यूज़ करने के लिए क्या करना है, ऊपर दो डॉट का बिंदु मिलेगा, सिंपली क्लिक करेंगे, देखिए सेटिंग ऑप्शन मिलेगा, आप वहां पर क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद देखिए आपको एक नई ऑप्शन देखने को मिलता है, यहां पर लिखा है कैरियर कॉल सेटिंग, सिंपली आप यहां पर क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद देखिए कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो यहां पर आपको ध्यान से देखना है, जैसे कॉल फॉरवर्डिंग पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी वीडियो कॉल या वॉइस कॉल को फॉरवर्ड करना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग यहां पर आपको सेलेक्ट करना है। देन यहां पर मैं वॉइस कॉल जो आवाज में बात करते हैं उसे यहां पर मैं करूंगा। तो देखिए यहां पर रीडिंग सेटिंग्स आएगा और ये सेटिंग सारी सेटिंग्स को रीड करेगा, उसके बाद ओपन करेगा। यहां पर देखिए आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो यहां पर लिखा है एलवेज फॉरवर्ड, तो यहां पर आपको क्लिक करना है और जिस भी आप नंबर पर कॉल को फॉरवर्ड करना चाहते हैं वो आपको यहां पर नंबर डाल देना है। अपना दूसरा नंबर यहां पर डाल दिया है और इसके बाद देखिए ऑन का ऑप्शन आएगा, यहां पर हम क्लिक कर देंगे, ये देखिए अपडेटिंग हो रही है और हमारा वो यहां पर नंबर अपडेट हो जाएगा। सो यहां पर देखिए लिखा हुआ है ऑलवेज फॉरवर्ड और फॉरवर्डिंग ऑल कॉल्स, सारी कॉल अब इस नंबर पर मेरी ट्रांसफर कर दी जाएंगी अगर हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं, अभी अगर नेटवर्क है तो हमारे ही मोबाइल पर कॉल आएगी, अगर हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं है या फिर हमारा मोबाइल स्विच ऑफ है तो ये कॉल अब उस नंबर पर ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिए। और ऊपर देखिए आपको एक आइकन भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये देख सकते हैं और यहाँ पर लिखा भी हुआ है फॉरवर्डिंग ऑल कॉल्स, तो अब हमारी ये कॉल्स है किसी दूसरे नंबर पर भी फॉरवर्ड होंगी। सो अगर इसे आप बंद करना चाहते हैं तो सिंपली उसी सेटिंग पर जाकर बंद करना होगा, वरना ये जो नोटिफिकेशन आइकन में आइकन मिलता है सिंपली इस पर एक बार क्लिक करेंगे और ऊपर ही देखिए वॉइस कॉल पर क्लिक करेंगे, रीडिंग करेगा। अब यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो रीडिंग सेटिंग जब क्लिक करेगा और उसके बाद देखिए आपको वहीं पर जाना है एलवेज फॉरवर्ड कॉल पर, सिंपली वहाँ पर क्लिक करेंगे और जो देखिए ऑफ का ऑप्शन मिलेगा आप ऑफ पर क्लिक कर देंगे। सो अब अपडेटिंग हो रही है और आपकी जो कॉल फॉरवर्डिंग है यहां से बंद हो जाएगी। जो अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एलवेज फॉरवर्ड जो है फॉरवर्ड यहाँ पर ऑफ हो चुका है, ओपन नोटिफिकेशन से भी वो आइकन गायब हो गया। सो इस तरीके से आप कॉल फॉरवर्ड को ऑन और ऑफ अपने मोबाइल में बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं।